टीवी एक्ट्रेस चारू और सोपा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में छाई रहती हैं। फैंस अक्सर उनके प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं। वो उनके हर एक छोटी बड़ी चीज के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं। चारू और राजीव का तलाक जून में हुआ है, जिसके बाद भी चारू और राजीव को कई बार एक साथ देखा गया था। चारू और राजीव का डिवोर्स आसानी से नहीं हुआ, बल्कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मीडिया में भी जाकर खूब सारे एलिगेशंस लगाए थे। राजीव का ऐसा कहना था कि चारू ने उन्हें उनकी पहली शादी के बारे में नहीं बताया था, और जिससे वो हैरान रह गए थे। राजीव ने ब्लॉग में कहा कि उनकी वाइफ चारू पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। इसलिए जब उन्हें चारू के शादीशुदा होने की बात पता चली तो वो हैरान रह गए थे। राजीव ने कहा कि बीकानेर के लोगों को छोड़कर कोई भी उनकी पहली शादी के बारे में नहीं जानता था। ये एक राज था जो हमसे छुपाया गया था, तो ये मेरे लिए एक झटके के समान था और इसने मुझे बुरी तरीके से झकझोर दिया। शादी के 3 साल और मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं समझता हूँ कि ये उनका अतीत था, लेकिन उन्हें कम से कम मुझे बताना चाहिए था। मैं इसे सम्मान के साथ स्वीकार करता अगर वो मुझे शादी से पहले इसके बारे में बता देती। वहीं चारू ने भी कहा कि राजीव को उनकी पहली शादी के बारे में सब कुछ पता था और वो बस उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राजीव के प्यार में पड़ने से पहले चारू ने टीवी एक्टर नीरज मालवीय को डेट किया था। दरअसल ये टीवी शो मेरे अंगने में साथ काम किया था। इस शो में दोनों भाई बहन के कैरेक्टर में थे। चारू और नीरज एक साथ काम करने से पहले एक दूसरे को जानते थे। दरअसल जिस कॉमन फ्रेंड के जरिए वो एक दूसरे को जानते थे, उसने उन्हें साथ मिलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीरज ने एक बार इंटरव्यू में इस बारे में बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि प्यार में पड़ने से पहले से ही हम एक दूसरे को जानते थे। एक कॉमन फ्रेंड ने हमें साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि कहते हैं ना कि सब कुछ सही समय पर होता है, हमने साथ काम करना शुरू किया और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी महसूस करने लगे। चारू और नीरज ने डेटिंग के दौरान इस बारे में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि वो पहले खुद इसके बारे में सुनिश्चित होना चाहते थे। नीरज से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि उन्हें एक रिश्ते में होने को स्वीकार करने में इतना समय क्यों लगा, तो उन्होंने कहा कि हमें लगा कि किसी रिश्ते में होने की बात स्वीकार करना जल्दबाजी होगी। आपको बता दें कि नीरज ने जून 2015 में अपने जन्मदिन पर चारू को प्रपोज किया और दोनों ने अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में देर नहीं लगाई। दोनों ने फैमिली और फ्रेंड्स की मौजूदगी में सगाई कर ली। सगाई के बाद चारू ने भी एक इंटरव्यू में ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी कि उनकी सगाई हो चुकी है। सगाई के लिए केवल हमारे करीबी रिश्तेदार ही मौजूद थे, क्योंकि एक निजी मामला था। नीरज के दादा का हाल ही में निधन हो गया, इसलिए हमने इसे बड़े पैमाने पर नहीं मनाने का फैसला किया। शादी की योजना के बारे में बात करते हुए चारू ने कहा था कि साल दिसंबर या जनवरी में किसी समय भी शादी के बंधन में बन जाएंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और दोनों ने शादी से पहले ब्रेकअप कर लिया। चारू ने अपने इंटरव्यू में कहा था, मुझे लगता था कि शो ने मुझे मेरे बिछड़े हुए लोगों से मिलाने की मदद की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। नीरज मालवीय से ब्रेकअप के बाद चारू की जिंदगी में राजीव की एंट्री हुई और कुछ ही दिनों तक डेटिंग के बाद दोनों ने साल 2019 में शादी कर ली। बिल्कुल कैसी लगती है आपको चारू और राजीव की जोड़ी, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।